इसी तरह इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो वेव फॉर्म है वो उसकी पीक वैल्यू जो है वो वी एम है, ठीक है। तो वी एम इज द पीक वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेव फॉर्म बेसिकली आ रही होगी वो थोड़ी सी, इसका जो आउटपुट है वो कम आएगा, क्योंकि उसमें से आप जो वी वोल्ट की बैटरी सोर्स लगी हुई है इसका ड्रॉप माइनस करेंगे, आउटपुट पे वी एम डायरेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक वी बैटरी सोर्स लगी हुई है जो कि वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है, और इसकी वजह से जो आउटपुट है वो आपका कम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब पॉजिटिव पीक आई आपके पास, तो ये डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पे देखें थिक लाइन है डायोड की, यानी शॉर्ट हुआ हुआ है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है आपने दोनों टर्मिनल्स को मिला दिया। ये जो सिचुएशन है ये आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग की है, कि डायोड जब आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है, हमें पता है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो आपके पास शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। तो अब इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है, नीचे देखें जो इक्वेशन लिखी हुई है, वी नॉट इज इक्वल टू इनपुट माइनस वी, वी इज द बैटरी सोर्स जो कि डायोड से पहले लगी हुई है, बाकी वी आई जो है वो इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज में से आपने बैटरी के जो वोल्टेजेज है वो माइनस कर दिए, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ गया। तो अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है थोड़ा बहुत कम होगा डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी सोर्स। सिमिलरली जब आपके पास ये रिवर्स बायस होगा, तो जब नेगेटिव पीक आएगी तो सिंपल डायोड ओपन हो जाएगा, डायोड ओपन होने की वजह से आपका आउटपुट पे कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पे वेव फॉर्म देखें, फाइनल वेव फॉर्म के सिंपल जो पॉजिटिव साइकिल है 0 से T/2 तक की, वो आपकी जो है सिर्फ वहाँ पे कंडक्शन हो रही है, और T/2 और T तक आपके पास कंडक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है और हाफ में नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है जो इसकी पीक वैल्यू है, जो पीक वैल्यू वो होती है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी वेव फॉर्म की होती है। तो उसके अंदर आपके पास जो है वो वी एम माइनस वी लिखा हुआ है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्ट वही नहीं है जो इनपुट की है, थोड़ी सी इसमें से वोल्टेज माइनस हो गई है, और वो जो वोल्टेज माइनस हुआ है वो बैटरी सोर्स का है, बी वोल्ट। एक और चीज़ देखने की इसमें यह है कि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। ये वेव फॉर्म जो है एग्जैक्ट 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो रही है। इसका रीज़न ये है कि जो बैटरी सोर्स है उसकी वजह से, सर्किट में जो बैटरी सोर्स लगी हुई है इसकी वजह से जो कंडक्शन है उसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है। ये वी वोल्टेज से ज़्यादा जब वोल्टेज देंगे तभी आपके पास बैटरी के सोर्स आगे फॉरवर्ड होंगे, तो ये कनेक्शन जो है आपके पास थोड़ी से देर के बाद होती है, बिकॉज वोल्टेज की वजह से, वी वोल्टेज की वजह से जो डायोड की कनेक्शन है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल है, एग्जांपल नंबर 2.18। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो है वो वेव फॉर्म चेक करनी है आउटपुट की, कि क्या आउटपुट वोल्टेज आएगा। अब इसके अंदर जो वेव फॉर्म गिवन है बेसिकली वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, और इस वेव फॉर्म का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वी एम वो है 20, इनपुट वोल्टेज का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 20 है, यानी पॉजिटिव 20 से नेगेटिव 20 तक ये रोटेट कर रही है वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। और आपके पास अब राइट साइड पे जो सर्किट बना हुआ है इसके अंदर डायोड लगा हुआ है, ये जो डायोड है अब इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये सिलिकॉन डायोड नहीं है बल्कि ये आइडियल डायोड है। सिलिकॉन अगर होता तो SI लिखा हुआ होता इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना GE लिखा हुआ है ना SI लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आइडियल डायोड है। मैंने तीन आपको बताई थी कंडीशंस, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ डायोड के ऊपर तो ये आइडियल डायोड है, अगर SI लिखा हुआ है तो ये आपके पास सिलिकॉन डायोड है, और अगर GE लिखा हुआ है तो जर्मेनियम है। इसी तरह अगर आइडियल डायोड है तो अगर वो फॉरवर्ड बायस होता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से, अगर आपके पास सिलिकॉन डायोड होता है तो उसको हम लोग 0.7 की बैटरी सपोर्ट से रिप्लेस कर देते हैं।
और अगर जर्मेनियम होता है तो उसको 0.3 की बैटरी सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा भी डायोड्स होते हैं, एलईडीज जो हमने देखी थी, एलईडीज जो है उनके डिफरेंट वोल्टेजेस होते हैं, टर्न ऑन वोल्टेजेस। और अगर एलईडी है तो एलईडी का जो टर्न ऑन वोल्टेज है वो वेरी कर रहा होता है, कभी 2 होता है, आपको गिवन होता है क्वेश्चन में कि जो एलईडी है वो 2 पे ऑन हो रही है या 1.8 पे टर्न ऑन होती है, उसका जो नी वोल्टेज है वो क्या है, उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सिलिकॉन डायोड के ऊपर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जो डायोड है ये आइडियल है, तो ये वाला जो डायोड है ये जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग के अंदर जितने भी डायोड्स हैं वो सारे के सारे ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्योंकि आइडियल डायोड है तो इसको अगर मैं 0.0001 भी दे दूंगा वोल्टेज तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं कि ये जाहिर सी बात है फॉरवर्ड 20 वोल्ट गिवन है इनपुट पे, तो आउटपुट पे जो है वो आपके पास 15 वोल्ट आ रहे होंगे, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी सोर्स जो है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस हो जाएगा। इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड कंडीशन देखनी है कि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो जब पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी तो आउटपुट पे क्या आ रहा होगा आपके। अच्छा, इसमें जो बैटरी सोर्स लगी हुई है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी इसको फोर्स कर रहा है। इनिशियली आपका जो डायोड है वो कंडक्शन मोड में है, तो इसी वजह से यहाँ एरो से शो किया जा रहा है कि ये करंट है आपका। तो अब इस सर्किट के अंदर हमने देखा कि जब हमारे पास पॉजिटिव पीक आई तो आउटपुट पे जो है वो पॉजिटिव पीक आपके पास आ रही है। इसको ऊपर से अगर देखें तो ये स्टार्टिंग में भी कंडक्ट कर रहा है, 0 से पहले इसका जो है वो आउटपुट स्टार्ट हो गया है। इसका रीज़न ये है कि आपके पास जो बैटरी सोर्स लगी हुई है 5 वोल्ट की, ये इसको फोर्सफुली जो है वो ऑन करवा रही है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव साइड पे लगा हुआ है। और से अगर देखें तो ये 5 वोल्ट की जो बैटरी सोर्स है इससे ऑलरेडी ये कंडक्शन मोड में आ गया है, जब नेगेटिव आपके पास साइकिल आएगी तब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका बेसिकली वेव फॉर्म कौन सा देखनी होती है कि ये पॉजिटिव जब 5 वोल्ट आ रहा है तो आपके पास कंडक्शन हो रही है, और मैक्सिमम देखिए 25 तक जा रही है, क्योंकि आपके पास जो बैटरी सोर्स है उसकी जो टर्मिनल लगे हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो रही है वोल्टेज। तो आउटपुट पे जो पीक आ रही है वो 25 वोल्ट की है, बाकी जो कंडक्शन है वो आपके पास 5 वोल्ट से स्टार्ट हो गई है इसकी। नेगेटिव साइकिल के अंदर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो है वो आपके पास डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो ये क्लिपर की मदद से आप जो है वो अपनी मदद से अपनी मर्जी का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये इसका बेसिकली एप्लीकेशन है क्लिपर की, ये इस तरह जो है आपके पास वेव फॉर्म इस पर जनरेट होती है।